कहा हूं हीरो बनने आया हूं। मेरे रंगे कई सारे आंदे इतने रोज पागल हीरो बन। जा जा बारी जा चल अंदर अंदर किसी को जानता है नहीं मगर फनकार हूँ जाऊंगा तो सब जान जाएंगे। 10 का नोट है जेब में तेरी। वो किस लिए? अंदर आज 6 शूटिंग है, 3 डांस 3 फाइटिंग। अंदर आज जाने का रेट 10 रुपए। 10 रुपए तो नहीं है। नहीं है ड्राइवर नहीं, जा सस्ते में काम हो जाएगा। जा जा वक्त जाया करने आए थे इधर। ठीक तो कैसा है यार ईश्वर क्या वाकफियत। बेवकूफ बनाता है, शबाब साहब का अपना स्टूडियो है, वो वहाँ काम करते हैं। चलो भागो यहाँ से। किस तरफ भागो भाई? इस तरफ, यहाँ से 15 मील है। चलो भागो यहाँ से। अच्छा आ जाते हैं। मुझे पता है तुम अंदर तो जाने नहीं दोगे। ये तो बता दो आज शूटिंग किसकी हो रही है? अंदर शोला बीबी की शूटिंग हो रही है। Thank you.
का गम क्या हमको पता था, इश्क का है अंजाम यही। इंसानों के इस जंगल में प्यार का है इनाम यही, प्यार का है इनाम यही। दिल वाले भी अपने लहू से लिखते रहेंगे अफसाने, ये सितम प्यार वफा में मरते रहेंगे दीवाने, ये दुनिया प्यार की रीत न जाने। ये लोग आपको झूठ मूठ भी मारे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे अरे उसको बाहर शूटिंग देखने के लिए आया था, शूटिंग डिस्टर्ब करते हैं गधे कहेंगे, बाहर क्या करते हो छोड़ियो के। शूटिंग शुरू करें मैडम? नहीं नहीं नहीं, मैं सुबह से थक गई हूँ नाश्ते नाश्ते, कल करेंगे। जैसे आपकी मर्जी, वैसे कल आप। हाँ हाँ, कल सुबह 10 बजे आ जाएंगे, कह तो दिया। चलो बेटी चले, और सुनो इन लड़कों को कन्वेंस दिलवा दो। और बैठो अभी तुम पैगा बन। गेट के पास बैठे ना, उसे बुला के लाओ। सर, मैडम जी बुला रहे। कौन मैडम जी? शोला बेगम। शोला बेगम, जी गाड़ी में बैठो। जी सुना नहीं, गाड़ी में बैठो। जी जब से गांव से आया हूँ ठोकरे खा रहा हूँ, हर जगह गया धक्के ही खाए, किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी, कोई दरवाजा नहीं खुला, कोई मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं। बचपन से लेकर आज तक मेरे दिल में एक ही अरमान है
एक ही हसरत है कि आप जैसा बड़ा फिल्म स्टार बनूं। बहुत प्रैक्टिस की, दिन रात मेहनत की, और अब मैं अपने सुल्तान राही की तरह चिल्ला सकता हूँ। मुस्तफा कुरैशी की तरह हंस सकता हूँ, नदीम की तरह रो सकता हूँ, राही मुराद की तरह गा सकता हूँ, मोहम्मद अली की तरह ड्रामा बोल सकता हूँ, लेकिन लेकिन कोई मेरे फन को आजमाने के लिए तैयार नहीं, और तो और कोई गेट में घुसने नहीं देता, ना कभी मेरा मुकद्दर बन। अब तो मैं गाँव भी वापस नहीं जा सकता, माँ के सामने शर्मिंदगी होगी, सारे गाँव वाले मजाक उड़ाएंगे, अब तो बस एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, खुदकुशी। अरे अरे ऐसा नहीं कहते। नहीं शोला जी नहीं, एक नाकाम पलकार के लिए खुदकुशी के सिवा कोई रास्ता नहीं, खुदा हाफिज़ शोला जी। अरे अरे ठहरो तो सही, इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो, क्या नाम है तुम्हारा? फतेह मोहम्मद, वहाँ प्यार से पत्तू कहती थी। अच्छा बैठो पत्तू, बैठो ना। देखो फनकार बनने के लिए बड़ी हिम्मत और सब्र की जरूरत होती है, लोग तो कई कई साल इस कोशिश में लगे रहते हैं। कई कई साल, कई साल में तो मेरे फन को जम लग जाएगा ये। नहीं, मैं अपने फन को और अपने आप को खत्म ही कर देता हूँ। अरे इतने जज्बाती ना भाई, देखो मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूंगी, मैं तुम्हें किसी अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलवाऊंगी, तब तक तुम यही रहो और तुम्हारा गुजारा भी हो जाएगा। आप मेरी मदद करेंगी, खुदा आपका भला करे। लेकिन लेकिन क्या? मैं यहाँ रहूंगा लेकिन आपकी नौकरी नहीं करूंगा, खिदमत करूंगा, गांव का रहने वाला हूँ कि आपके बाप की देखभाल करूंगा। मेहमानों का कम, एक दिन जरा मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं शूटिंग पे नहीं गई तो तूने ये काम दिखाया है? क्या हुआ खाला? मैं पूछती हूँ उस बेवकूफ को यहाँ क्यों लेकर आई? वो बेवकूफ नहीं है खाला, वो मासूम है, भोला है, जाने क्या क्या अरमान और कितनी लगन दिल में लेकर आया है यहाँ, इतने बड़े शहर में खो जाएगा बेचारा। तो खो जाने दे बेचारे का, ये तेरा प्रॉब्लम तो नहीं है। आप बोल रही हैं खाला, कभी मैं भी इस शहर में नहीं थी, खोई खोई मायूस, दिल में ऐसी ही लगन और अरमान लिए, उस वक्त मैं भी किसी की प्रॉब्लम नहीं थी, मगर किसी ने मेरी मदद की तो मैं इस मंजर पर पहुंच गई, अगर मैंने उसकी मदद कर दी तो क्या बुरा किया खाला? वो तो सब ठीक है लेकिन तुझे उसमें क्या नजर आया, कोई एक्टर? नहीं खाला, एक सच्चा इंसान जिसमें जरा भी बनावट नहीं। आपने उसके आंसू नहीं देखे, वो सच्चे आंसू थे। मैं एक्ट्रेस हूं, धोखा नहीं खा सकती, मैं थक गई हूं खाला, बहुत थक गई हूं इस बनावट की दुनिया से, झूठे चेहरे से, झूठी बातों से। मेरी बात याद रखना, देख लेना साला चोर निकलेगा चोर। तुम हमें फिर धोखा दे गए जानी, कोई तुम्हारी शिनाख्त नहीं कर सका, लेकिन एक दिन तुम गलती करोगे और उस दिन। वो दिन कभी नहीं आएगा सर, आप तो खामखा मुझ गरीब पर शक करते हैं। मुझे शक नहीं, यकीन है, मगर पुलिस सबूत की मोहताज है और वो सबूत एक दिन तुम खुद दोगे। आप जाने भी दीजिए सर, देखिए ना, न मैं आपको परेशान करना चाहता और मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे परेशान करें, अब इजाजत है? जा सकते हो। शुक्रिया।
जानी, वेलकम। मैं जानता था कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर कोई ऐसी वैसी बात हो भी जाती तो मैं जो मौजूद हूँ। मैं भी जानता था बुखारी साहब, मेरा कुछ नहीं बिगड़े। ये क्या बात है जानी, ये तुम इस रुमाल को बार बार चूमते क्यों हो? कोई जादू है इसमें? है चक्कर बुखारी साहब, आप नहीं समझे। वैसे ये फिल्म प्रोड्यूसर वाला क्या मामला है? ओहो, बाहर गेट पर शायद तुमने बोर्ड पढ़ लिया है तो तुम समझे कि मैं फिल्म प्रोड्यूसर बन गया हूँ। नहीं जानी नहीं, ये महज एक नया चेहरा है दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि अगर असली चेहरा दिखाया तो काफी तकलीफ में आ सकते हैं। क्यों बुखारी साहब? ठीक समझे हो, इसीलिए तो हम इतने अच्छे पार्टनर हैं। पार्टनर? हाँ, तिजोरियां खोलने में तुम जैसा उस्ताद कोई नहीं है। जादू है तुम्हारी उंगलियों में। तुम जो माल लाते हो मैं अपने एजेंटों के जरिए वो दूसरे मुल्कों में भिजवा देता हूँ। तुम भी खुश, मैं भी खुश। लेकिन तुम खुश नजर नहीं आ रहे, क्या बात? जल बुझाए हवाएं मुझे ना तो मैं कब का जा चुका हूँ सदाएं मुझे। इस आवाज को सुनते हैं बुखारी साहब? हाँ, मेहदी हसन की आवाज है। सूरत देखे बजा आपने कैसे कह दिया? ओहो भाई, इसलिए कि ये एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, फनकार है, अपने फन का माहिर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने बुखारी साहब। लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तिजोरियां खोलना भी एक फन है और मैं इस फन का माहिर हो चुका हूं। पुलिस मेरी सूरत देखे बगैर समझ जाती है कि ये जानी का काम है। मैं क्यों नहीं समझा? सीधी सी बात है बुखारी साहब, जब तक आप कोई ऐसी तरकीब नहीं सोचते, कोई ऐसा इंतजाम नहीं करते कि पुलिस किसी सूरत में मुझ पे शक ना करे, मैं कोई और वारदात नहीं करूंगा। जरा इसे आजमा के तो देख, क्या ये सचमुच इतना भोला है? जी? एक बात तो बताओ, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? जी? मैंने पूछा तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? हाँ तो आप बहुत बड़ी हीरोइन है जी, बहुत अच्छा डांस करती है। नहीं नहीं पत्तू, मैं डांसर या हीरोइन के बारे में नहीं पूछ रही, ये सब कुछ तो अखबारों से भी पता चल जाता है। मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि ओफो पत्तू, तुम शर्मा क्यों रहे हो? तुम्हें आर्टिस्ट बनना है, तुम में हिम्मत होनी चाहिए। समझो तुम वही मुराद हो, तुम्हें एक लड़की पसंद है, तुम्हें मैं पसंद तो हूँ ना? जी। तो फिर बताओ तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है इस डब्बे में पानी खत्म हो गया, मैं और ले आता हूँ। बुखारी साहब का टेलीफोन आया था, अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। मैडम जी, ड्राइंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप अच्छी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खादिम आपका। बस यही चाहिए। मेहरबानी। अस्सलामुअलैकुम खाला। वालेकुम सलाम, कहिए। वो ये चेक लेके हाजिर हुआ था। हेलो, भला इसकी क्या जरूरत थी बुखारी साहब भाई, आप तो अपने हैं,
अच्छा और सुनाइए, क्या हाल चाल है जी? वो कल फिल्म के रश चला के देखे शोला जी, आपका वो ड्रामे का सीन वाह, मैं कहता हूँ कि जवाब ही नहीं, पूरे यूनिट के आंसू निकल आए, रो रहे थे सब। मैं तो स्टूडियो से घर तक रोता भागे हूँ। अजी ड्रामे में तो हमारी बेटी का जवाब नहीं। बेशक बेशक, और शोला जी वो डांस आपका बस सुभान अल्लाह, यूं महसूस होता था जैसे बिजली गिर पड़ी है स्क्रीन पे, कोई हूर उतर आई है आसमान से। आप तो जानते हैं बुखारी साहब कि डांस में भी हमारी बेटी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जा, आप देखते रहिए, ऐसी फिल्म बनेगी कि लोग पागल हो जाएंगे, नए रिकॉर्ड कायम करेगी, यादगार फिल्म होगी इंशाल्लाह। क्यों नहीं बुखारी साहब, जब आप जैसे प्रोड्यूसर होंगे तो फिर ऐसी ही फिल्म बनेगी। जी हाँ। अच्छा खाला, वो डेटों के सिलसिले में मैं अजी डेटे ही डेटे बुखारी साहब, भला आपको इंतजार कर सकते हैं। बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। शोला जी आप कुछ खामोश खामोश हैं। हाँ? नहीं तो मेम साहब इन्हें कहाँ सजा दूं? मिल गया मिल गया। क्या मिल गया? वो जिसकी मुझे सारे मुल्क में तलाश थी वो यही मिल गया। कितना खुशनसीब हूँ मैं। फिर क्या मिल गया आपको बुखारी साहब? हीरो। हीरो? 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 हाँ, वो नौजवान जो मेरे फिल्म की अंगूठी में नगीने की तरह फिट बैठेगा, वो जिसका मेरी कहानी को इंतजार था, वही दांत, वही डॉन, वही पेशानी, वही चमकदार आंखें, वही बारूद चेहरा। नौजवान तुम मेरी फिल्म में हीरो बनोगे? कब? अभी तैयारियां शुरू करता हूँ, बस एक टेलीफोन कर। मुबारक हो फतु, फतु बहुत बहुत मुबारक हो फतु, फतु, फतु। आओ फतु। तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ ना, इस दरवाजे के खुलते ही तुम्हारी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। आओ। ये सब क्या है बुखारी साहब? कैमरे से नजर मिलाना सीखो पत्तू, ये रोशनियां तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन कर देंगे। आओ ड्राइंग रूम में आओ। बुखारी साहब खुदा की ये रोशनियां बंद करा दीजिए, अंधा हुआ जा रहा हूं। लाइट ऑफ। ये तो तुम्हारी तालीम, तुम्हारी तरबियत, तुम्हारी ट्रेनिंग की इब्तदा है। तुम अब तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो, हीरो हीरो। अब तुम्हारे उठने बैठने चलने फिरने में एक शान, एक अंदाज होना चाहिए। अच्छा अब तुम यहाँ खूब अच्छी तरह एक्टिंग की प्रैक्टिस करोगे और जब तैयार हो जाओगे तो हम तुम्हें दुनिया के सामने पेश करेंगे। जी पतु, ये किटी है, तुम्हारा हर तरह ख्याल रखेगी। पतु एक बात याद रखना, तुम जहां भी होगे, जो कुछ भी कर रहे होगे, कैमरे की आंख तुम्हें देख रही होगी। किटी पतु को मेहमानों के खास कमरे में लेके आओ। और मेरी बात याद रखना पत्तू, तुम जहां भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, कैमरे की आंख तुम्हें देख रही।
काले खान, कैमरे में फिल्म तो नहीं थी ना? गुड। ये है आपका कमरा। वाह 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 वाह, क्या बात है। पसंद आया? बहुत बहुत पसंद आया। उसके इतने खूबसूरत कमरे में तो मैं कभी भी नहीं रहा। वैसे आप चाहे तो आप जा सकती हैं। और अगर मैं ना जाना चाहूं तो फिर बैठिए शौक से। कितना अच्छा हुआ तुम आ गए, अब मैं यहाँ बोर नहीं होंगे। कितने खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे और किस कदर शानदार मूछ है तुम्हारी, और किस कदर दिल जीतने वाली पर्सनैलिटी है तुम्हारी। और मेरी बात याद रखना पत्तू, तुम जहां भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, कैमरे की आंख तुम्हें देख रही है। मुझे भी नहीं मालूम था कि दुनिया में तुम जैसी भी कोई लड़की है। ये मुलायम मुलायम हाथ, तुम्हारी आंखें जैसी गहरी झीलें, तुम्हारे बाल जैसे सरसों के खेत, तुम्हारे होंठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियां। जी चाहता है तुम्हें अपनी बाहों में ले लूं और ऐसे जकड़ लूं जैसे कोई ऐसा हाल पड़ जाता। मेरा ख्याल है बुखार साहब बुला रहे हैं, मैं चलती हूँ। सलाम कहो जाने, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हो जी। कहिए दुनिया में खैरियत तो है? अरे बेटा, इन अखबारों में खैरियत ही ढूंढता रहता हूँ, मिलती नहीं। ढूंढते रहिए, कभी तो मिलेगी। अंधा हूं तो क्या हुआ, तेरे पैरों की आहट तो बचपन से सुन रहा हूं। अंधेपन का गम न करो चाचा। सच पूछो तो जमाना देखने के काबिल ही नहीं यार। जमाना तो बहुत देखा है बेटे, लेकिन तुझे किरण को देखने को जी चाहता है। जी तो मेरा भी चाहता है चाचा, लेकिन किरण है कहाँ? यहीं थी, बाजार गई है, बस आती ही होगी। चाचा एक जरूरी काम याद आ गया, और वैसे तुम भी थके थके लग रहे हो, आराम करो मेरे साथ। हाँ बेटे, मुझे अब आराम के सिवा काम ही क्या है। वैसे जब भी तुम आते हो तो मेरा दिल लग जाता है, बस आते रहा करो। जी किरण, मालूम होता है मेरी शक्ल देख के कोई खास खुशी नहीं हुई थी। हुई, लेकिन जब चार दिन के बाद आता है तो खुशी के बजाय शक होता है। सुना है कि अगर शक करने की बीमारी हो तो हफ्ते में दो बार जमाल घोटा ले लेना चाहिए। जी, और अगर झूठ बोलने की बीमारी हो तो रोज जमाल घोटा लेना चाहिए। क्या झूठ बोला? एक काम पड़ गया था, कहीं से बुलावा आ गया।
भुलावा सरकारी तो फिर ये क्यों नहीं कहता कि हवालात में बंद था? क्या हवालात? हवालात यूं ही शख्सुगन पकड़ के ले गए थे, छोड़ दिया और किसी दिन नहीं छोड़ा तो देखा तुझे मेरा नहीं तो बाबा का ख्याल होना चाहिए। मैं उसे कब तक झूठ बोलती होंगी? कोई और कह देगा कि तू क्या करता है। जानी, पापा ने तुझे बचपन से पाला है, मुझसे ज्यादा तुझसे प्यार करते हैं। तू अलग रहता है तो तेरी और भी ज्यादा फिक्र करते हैं। जानी, तू ऐसी हरकतें क्यों करता है? तू ऐसा क्यों है जानी? बताओ ऐसा क्यों हूँ? बता। चल जाएंगे, गर्मी बहुत है ना, सर को छोड़ दिए। गर्मी है तो ठंडा पानी पी ले, चिल्लाता क्यों है? अच्छा बाबा, नहीं चिल्लाता, अब जरा मुस्कुरा दे। देख मुस्कुरा दे, नहीं तो 3 महीने मुंह नहीं दिखाऊंगा। ले अच्छा सुन, मुझसे एक्ट्रो वाली हरकतें ना किया कर। अच्छा देख, मैं क्या लाया हूँ तेरे? नहीं चाहिए। क्यों? हलाल की कमाई से कुछ ला कर देगा तो खुशी से लूंगी। बड़ा मजा आता है ना तुझे मेरा दिल दुखाने में? तुझे भी बड़ा मजा आता है ना मेरा दिल दुखाने में? कल आऊंगा। मैं तेरे लिए खीर बना के रखूंगी। कोई जरूरत नहीं, सिर्फ चाचा से मिलने आऊंगा, समझी? सिर्फ चाचा से मिलने आऊंगा। सुबह सोकर उठे तो ताजा दम हो, फ्रेश हो, खूबसूरत लगे। चलो फिर जाना ध्यान दीजिए। दुनिया के सामने पेश करूंगा, एक शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं लोगों को बताऊंगा कि तुम कितने अजीम, कितने बासलाहियत फनकार हो। आज तुम कुछ नहीं हो लेकिन कल तुम स्टार होंगे, स्टार। सर देखिए, thank you.
Is that okay, sir? Good. Very good. Very, very good. बैठे आप लोग बैठिए। आप लोग हजरात, आपको तस्वीरें बनाने के लिए बहुत वक्त मिलेगा, बहुत वक्त मिलेगा। आप इत्मीनान से तस्वीरें बनाइएगा और मैं अपनी बात कहने के लिए बेहद बेताब हूं। मेरे साथ के दोस्तों, मैंने आपको इसलिए जहमत दी है कि मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। आसमान फिल्म पर एक नया सितारा चमकने वाला है। आपके खालिम ने बनने अदाकारी का एक नया हीरा का आशा है। मेरी फिल्म का नया हीरो जानी। जानी इसका फिल्मी नाम ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी इसका नाम जानी है। और मेरे नए हीरो की कहानी भी किसी फिल्मी हीरो की कहानी से कम नहीं। ये जानी कल तक एक छोटा मोटा चोर था। हर थाने में इसकी फाइल मौजूद थी। चोर? लेकिन अब रात अचानक जानी का जमीर जागा। इसने सोचा कि क्यों ना कोई इज्जतदार काम किया जाए। लिहाजा कल का चोर जानी आज फिल्मों का हीरो बनकर दुनिया को हक को सदाकत का सबक देगा, लोगों को सीधी राह दिखाएगा, नेकी और सच्चाई का सिंबल बनेगा। चाय आपका इंतजार कर रही है, इसके बाद आप जानी से अच्छी तरह मिल सकेंगे। आइए प्लीज आइए। साहब आपने जानी बना दिया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये चोर डाकू ये सब क्या चक्कर? तुम नहीं समझोगे पत्तू, इसे कहते हैं पब्लिसिटी। पब्लिसिटी? पब्लिसिटी जी जी, वही वही। अब देखो, अगर मैं ये कह देता कि गाने गाछ से फतेह मोहम्मद हीरो बनने के लिए आया है तो इसका क्या असर होगा? लेकिन जो कहानी मैंने सुनाई है उससे हर तरफ सनसनी फैल जाएगी, हर घर में तुम्हारा चर्चा होगा। तुम पर्दे स्क्रीन पर आने से पहले ही हीरो बन जाओगे और लड़कियां तुम्हारी तस्वीर अपने तकिए के नीचे रख के सोएगी। क्या समझे? समझ गया जी, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। शाबाश। अच्छा जाओ, इन अखबार वालों से मिलो जाके, जरूरी होता है बेटा। जानी को बुलवाओ। ओके सर। अरे तुम यहाँ? हमने पता था अगर घर पर नहीं होगे तो यहाँ जरूर मिलोगे। खैरियत? बुखारी साहब ने बुलाया है। चलो। अखबार, प्रेस कॉन्फ्रेंस, हीरो, एक्टिंग, ये सब क्या है बुखारी साहब? मैं कुछ नहीं समझा। मैं समझाता हूँ तुम्हें। ये पुलिस को धोखा देने का वो तरीका है जो तुम्हारी शक्ति। क्या मतलब ये कि इस शख्स की शक्ल हूबहू तुमसे मिलती। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इसे मैंने सिर्फ हीरो ही नहीं बनाया बल्कि इसे तुम्हारा नाम और तुम्हारी शख्सियत भी दी। इससे क्या हासिल? ये कि जिस वक्त ये शख्स शूटिंग्स करेगा उस वक्त तुम अपना काम करोगे। सब समझेंगे कि एक्टर तुम हो। पुलिस परेशान होकर रह जाएगी। अब इत्मीनान हुआ तुम्हारा? पता नहीं मुखर। लाला जी आपकी चाय। यकीनन खबरें सुनाने की रिश्वत। यही समझ लीजिए लाला जी, पढ़ना आता नहीं और फिक्र सारे जहाँ की है। अरे आज तो तकरीबन हर अखबार में जानी की तस्वीरें और खबरें हैं। क्या लिखा लाला जी?
लिखा है कि फिल्मी आसमान पर एक नया सितारा, जानी जो कल तक एक छोटा मोटा चोर था अब तोबा करके फिल्म स्टार बन गया है। फिल्म साल आर बुखारी अपनी फिल्म में हीरो ले रहे हैं। पागल के अच्छा, कहाँ से मिल गई तुझे इतनी खुशी? तूने दी है, मेरी बात मानकर। अब तो चोर नहीं रहा ना, अब तो फिल्म स्टार बनेगा, हीरो बनेगा। हाँ, अब तकदीर ने मुझे हीरो बना दिया। लेकिन तूने मुझे खुद क्यों नहीं बताया? तू मेरी बात का यकीन कहाँ करती है? मैंने सोचा अखबारों में आएगा, लोगों से सुनेगी, तेरी तसल्ली हो जाएगी। हो गई है। तू क्या सोच रही? सोच रही हूँ अब तू हीरो बन गया है, बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ काम करेगा, स्टूडियो में एक से एक बढ़ के खूबसूरत लड़कियां होंगी, उसके मध्यमक में तुझे किरण का याद रहेगी। इस लड़की को जो शक करने की बीमारी है, तू दूर कर दे। मैं शक नहीं कर रही हूँ, ठीक कह रही हूँ। तू ठीक नहीं कह रही, गलत कह रही। तू क्या समझती है, लाली तुर्की पाउडर और नकली भवे पल के देखकर मैं पागल हो जाऊंगा? अरे पगली, वो तो सिर्फ मेरा काम है, मेरी जिंदगी। तू झूठ बोल रहा है। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा? नहीं, सच बोल रहा। अच्छा, मैं सच बोल रहा हूँ। एक मिनट की छूट रही, यहाँ बैठी। देख क्या लाया तेरे लिए। अरे ले ले, मेरी लाल। दादा
मेरा क्या होगा, मुझे कौन खाना खिलाएगा, कौन नहलाएगा? दरिया बहने बंद हो जाएगी, सूरज नहीं चमकेगा, रातों को चांद नहीं निकलेगा, वादा फेल हो जाएगी, दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा रह जाएगा। मार! मैं जानता हूँ तुम कौन हो। कौन हूँ मैं? मेरा डबल प्लेट। डबल प्लेट? हाँ, डबल प्लेट। हर बड़े हीरो का एक डबल प्लेट होता है। डाइव मैं मारूंगा, हवा में उड़ते हुए तुम जाओ, घूंसा मुझे पड़ेगा, सीईओ से लुढ़कते हुए तुम आओगे, अरे दर्दे तुम्हारे होंगी और तालियां मेरे लिए बजेंगी। हो, हाथ का मतलब है डुप्लीकेट। जी हाँ, मैं आपका डुप्लीकेट हूँ और बुखारी साहब ने मुझे भेजा है देखने के लिए कि आपका और मेरा जिस्म और कद वगैरह कहाँ तक मिलता है। मगर यार, तुम्हारी तो शक्ल भी बिल्कुल मुझसे मिलती है, लेकिन बुखारी साहब को मेरी जरूरत क्यों पड़ी? अरे साहब, कहाँ आप, कहाँ मैं। आप अदाकार, फनकार, आर्टिस्ट, और मैं ज्यादा से ज्यादा मारामारी का काम कर सकता। अच्छा, आप, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं जानता हूं कि आप जैसा अजीम फनकार जो दिलो जान से एक्टिंग करता है, उसका एक एक लम्हा कीमती है। इजाजत, इजाजत। हाँ हाँ, जाओ, मुझे दिलो जान से रिहर्सल करनी है, ताकि जब मैं हंसूं तो दुनिया मेरे साथ आते हैं, और जब मैं रहूं दुनिया मेरे साथ रोए। मां! हाँ जानी, तो अब क्या ख्याल है तुम्हारा? रात देनी पड़ती है बुखारी साहब। जान तभी चलते हो जब आप तीन यज्ञ हो। गुड, तो अब तुम्हारा शक दूर हो गया है, तो कुछ काम की बात की जाए। ये फाइल देखो, मेरे जासूसों ने काफी काम किया है। कल शाम पत्तों की शूटिंग होगी, इसकी खूब पब्लिसिटी की गई है, सारे शहर को मालूम हो गया, और तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर अपना काम करोगे पार्टनर। क्या सोच रहे हो तुम? मैंने फैसला किया है बुखारी साहब। मैं जानता हूँ तुम्हारे फैसले बहुत पक्के होते हैं। बुखारी साहब, मैं सिर्फ तीन और बार बातें करूँ, मगर वजह है बताना जरूरी है, लेकिन आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे। अच्छा चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, बाय। हम तुम्हें यहाँ इसलिए लाए हैं कि तुम स्टूडियो के माहौल से अच्छी तरह वाकिफ हो जाओ। ये जो बड़े बड़े गोदाम जैसे हैं ना, इनमें सेट लगते हैं, घर, गलियां, कोठे और बहुत कुछ। और ये जो बाग है, यहाँ गाने, लव सीन वगैरह होते हैं। आज यहाँ नदीम और शोला की शूटिंग है। शोला की? ईमान से? हाँ। अच्छा, तुम जाओ घूमो फिरो, देखो समझो और सीखो। आइए नदीम भाई, नॉट रेडी, आप चले, ये चश्मा ले लेंगे। आइए, आ रेडी जी, स्टार्ट ले भाई। तेरे जलों की धूप छाने, तेरे जलों की धूप छाने, सारा आलम भुला दिया हमको, बेखुदा उम्र तेरी जुल्फों को।
चमन को देख लिया लाल दार क्या देखें, तुम्हारे देखने वाले बाहर क्या देखें, बाहर क्या देखें, तेरी इन दो हसीन आंखों ने, तेरी इन दो हसीन आंखों ने डूब जाना सिखा दिया हमको, तेरे जलों की धूप छाओं ने। हुस्न के शबनमी शरारों ने, हुस्न के शबनमी शरारों ने दिल जलाना सिखा दिया हमको, तेरे जलों की धूप छाओं ने। झुक गया आज सर तेरे आगे, झुक गया आज सर तेरे आगे, तूने काफिर बना दिया हमको, तेरे जलों की धूप छाओं ने सारा आलम भुला दिया हमको, ए खुदा उम्र तेरी जुल्फों को एक मुसव्विर बना दिया हमको, तेरे जलवों की धूप छाओं ने। अरे ओके थैंक यू वेरी मच दी सर, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड वेरी गुड, हेलो मेगा थैंक यू। अच्छा सर जी, कल की शूटिंग का क्या प्रोग्राम है? कल हम शूटिंग करें नाइट डे इंडोर, जानी साहब की शूटिंग है। फर्ज करो कि जिस लड़की से तुम प्यार करते हो अगर वो तुम्हारे साथ अकेली हो तो तुम उससे क्या कहोगे? जी जी मैं तो कुछ नहीं कह सकूंगा। क्यों नहीं, कोशिश तो करो मेरे लिए। जब से तुम्हें देखा है रातों को चैन नहीं आता और दिन को नींद नहीं आती और बस
क्यों होते कहो ना। जब आप इस तरह आंखों में आंखें डाल के देखती हैं ना जी, तो दिमाग फेल हो जाता है, जबान बंद हो जाती है। अच्छा तो मैं अपना मुंह इधर कर लेती हूँ। मुझे अल्फाज से खेलना तो नहीं आता, और फिर मेरे दिल में आपके लिए जो कुछ है वो कभी ना कभी किसी न किसी फिल्म में किसी न किसी हीरो ने आपसे कह ही दिया होगा। सिर्फ ओके ओके इतना जानता हूँ कि जब आपके पास होता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ, और जब आपसे दूर होता हूँ तो जिंदगी खाली खाली लगती है। तुमने बड़ी खूबसूरत बात की है फतू, अब यही बात गा के सुना। नहीं जी, मैं गा नहीं सकता, बड़ा बेसुर। अरे बेसुरे तो हम सब हैं, इसलिए तो प्लेबैक सिंगर होते हैं। गले से नहीं गा सकते तो दिल की आवाज से गाओ। नहीं जी, दिल तो इस वक्त बिल्कुल ही बेसुरा हो रहा है। सफाई से ये वारदात सिर्फ जानी कर सकता है। लेकिन सर, कल और आज के तमाम अखबारों में ये खबर है कि जानी कल रात स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था। ये ठीक है सर, मैंने दो सिपाही चेक करने के लिए भेजे थे, जानी सारी रात स्टूडियो में था और वो सुबह गया। तो फिर ये जानी का बाप कहां से पैदा हो गया? या अल्लाह, मेरे फत्तू को अपनी अमान में रखना, सीधा सा लड़का है, इतने बड़े शहर में न जाने उस पे क्या गुजर रही होगी। अरे खाला, काय को फिक्र करती है, फत्तू का बुखार उतरने में आखिर कुछ वक्त तो लगेगा। मगर चिरू, उसे गए हुए इतने दिन हो गए हैं, कहीं मुझे भी उसके पीछे शहर न जाना पड़े। न जाने मेरा फत्तू किन मुसीबतों में होगा। ये नई लाल मिर्च बहुत तेज है, इसे थोड़ा कम डालो। बाहर एक बड़े भी आए हैं, कहते हैं फत्तू साहब। ओ नहीं नहीं, मेरा मतलब है जानी साहब के वालिद। फत्तू के वालिद? तुम उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ और देखो। जी बीबी जी। उनके लिए चाय केक पिस्सी का बंदोबस्त कर। तुम जरा संभालो। तुम हो शोला जो मेरे घर को जलाकर राख कर देना चाहती। मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन मैं सब समझ गया, तुमने अपनी छोटी चमक दमक दिखाकर सब तुमको पागल कर दिया है, उस पे जादू कर दिया। चालाक लड़की, तुम मेरे बेटे को बेवकूफ बना रही हो। आप गलत समझ रहे हैं, मैं उन्हें बेवकूफ नहीं बना रही, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और आपकी भी। दरअसल हम साफ कहो क्या कहना है जी, हम एक दूसरे से क्या दूसरे तीसरे चौथे से जी, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। नहीं, कभी नहीं, ये शादी कभी नहीं हो सकती।
मैं भत्तू की बोतियां करके जेल चौकों को गिरा दूंगा। अगर तुम्हें अपने खौफनाक गिराने में कामयाब नहीं होने दूंगा, भत्तू शादी करेगा तो मेरी लाश में देहोते गुजर गए और मेरा मेरा भी 100 साल और मरने का इरादा नहीं। और उस वक्त तक तुम्हारा वो हाल होगा कि भत्तू तो क्या, भत्तू का बाप भी तुमसे शादी करने को तैयार नहीं होगा। पत्तू को लेकर गांव वापस जा रहा हूँ। जानती हो गांव में पत्तू की एक बीवी और 3 बच्चे हैं। हाँ मुझे, अगर पत्तू की 3 बीवियां और 13 बच्चे भी होते तो भी मुझे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? तुम बेवकूफ हो और तुम्हारा बेटा भी बेवकूफ है। लेकिन मैंने इरादा कर लिया है कि वो जिंदगी भर मेरा गुलाम बनकर रहेगा और मेरा इरादा दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती, समझे? अब तक मैं लिहाज करती आई हूँ, लेकिन अब मुझे गुस्सा आ गया है और जब मुझे गुस्सा आता है तो इस घर के दर और दीवार कांपते हैं। मैं बाल नोच लेती हूँ, मैं कपड़े फाड़ देती हूँ, मैं बेड़ा फर्क कर देती हूँ। तुमने मेरा मूड इतना खराब कर दिया है कि मैं तुम्हारा क्या तुम्हारे प्यार को आसमा रहा था। अब भी इसकी जरूरत है क्या? नहीं, लेकिन बेवकूफ से प्यार करोगी तो ऐसे सीन दोगे। ये बताओ एक्टिंग कैसी थी? जबरदस्त थी ना? खा गई ना धोखा? हाँ, लेकिन अगर फिर कभी धोखा दिया तो? ना ना बाबा, मुझे अपने झूठे बाप की कसम, फिर धोखा नहीं दिया। जानी, एक ही रात में तुमने काम भी दिखाया है और हीरो भी बन गए। आपकी मेहरबानी। अच्छा, और तो और, मशहूर हीरोइन शोला से तुम्हारा जबरदस्त इश्क चल रहा था। हाँ, वो बेवकूफ फत्तू शोला का दीवाना हो गया और हैरत की बात तो ये है कि शोला भी उसकी जरूरत से ज्यादा मेहरबान हो गई, बल्कि आज रात उसने फत्तू के लिए खास दावत दी है। जो प्यार का
चाहा लेकिन जा नहीं सका। तो फिर कह क्यों थे? इसलिए मैम साहब कि मैं बेवकूफ जरूर हूं लेकिन इतना भी नहीं कि जमीन पर रहकर चांद को छूने की कोशिश करूं। मैम साहब आपकी आंखों में आंसू, आप रो रही हैं मेरे लिए? तो और किसके लिए? तुम समझते हो मैं एक्ट्रेस हूँ? औरत नहीं, क्या मैं इंसान नहीं? मेरे कोई जज्बात नहीं, मेरे सब आंसू छूटे हैं क्या? मेरे दिल में किसी का प्यार नहीं। आप प्यार करती हैं? मुझसे प्यार करती हैं? हाँ। मगर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन मेरे लिए सब कुछ हो। लेकिन मैं तो बहुत गरीब हूँ। मैं तुम्हारे साथ गरीब हो जाऊंगी। लेकिन आप तो बहुत बड़ी फिल्म स्टार हैं। मैं कल ऐलान कर दूंगी कि तुम्हारे साथ ये मेरी आखिरी फिल्म होगी। लेकिन आप बहुत अमीर हैं। मैं बीवी की दौलत पे जिंदा नहीं रह सकता। मैं अपनी सारी दौलत हमारे होने वाले बच्चों के नाम कर दूंगी। जब हमारी शादी होगी फिर तुम मुझे 6 साल भी रखोगे, मैं उस साल में बहुत खुश रहूंगी। शादी? हाँ। हमारी बच्चे, मेरा बीवी, बच्चे भी। शोला जी आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। शोला जी आप सच कुछ सच कह रही हैं? शोला जी शबनम, सिर्फ शबनम। दुनिया तो समझेगी मैं हूँ, नाम तो मेरा बदनाम होगा, मैं तो मुश्किल में आ जाऊंगा। फिर किरण क्या सोचेगी? वो तो मुसीबत डाल देगी। किरण? अच्छा तो तुम्हारी जिंदगी में कोई किरण भी है? लेकिन फिक्र क्यों करते हो पार्टनर, सिर्फ चंद दिनों की बात तो और है। और फिर? फिर सिर्फ 2 वारदातें, उसके बाद मैं हीरो जानी की अपनी फिल्म से छुट्टी करा दूंगा और असली जानी अपनी किरण के साथ ऐश की जिंदगी गुजारेगा। तो फारी साहब पत्तू का क्या होगा? पत्तू? जब किसी चीज की जरूरत खत्म हो जाती है तो उसे फेंक दिया जाता है। बुखारी साहब माशाल्लाह सेट बहुत खूबसूरत है। क्या पीजिएगा? अजी क्या पीना बुखारी साहब? नहीं कुछ तो हो तो चाय मंगवा। अच्छा जी जी, और इधर मर चोई साहब आए, कुछ चाय लेके आ और कुछ बिस्कुट भी ले आना साथ में। अच्छा सर। अच्छा भाई लहरी साहब, शाहिद साहब रेडी हैं? जानी साहब, बुखारी भाई जरा टेक करने लगा हूं मैं। जी जी फैसल हो गई है। रेडी स्टार्ट साहब। क्लब सर भाई बन एक्शन। हुजूर बहुत तस्वीर बना कर लाया हूं आपकी के दम रह जाइएगा अपना चेहरा है मुबारक देखकर। तस्वीर ये बात है तो फिर हो जाए मुकाबला दो मुसवरों का। दो मुसवरों? सवाल करने से पहले अपनी दंग कर देने वाली तस्वीर दिखाओ। मुलाहिजा फरमाइए हुजूर। अबे ये क्या बकवास है, तुमने हमें
गधा बनाने की कोशिश की है इंसान से। नहीं हुजूर, वो तो मैंने तो, ये तो कोई साजिश है हम दोनों के खिलाफ। साजिश तुमने की है हमारे खिलाफ, हमारी नस्ल बदलने की कोशिश की है। हुजूर, इसने दूसरा हमला किया है आपकी इज्जत पर। कबल इसके कि तुम मेरे हाथों से फौत हो जाओ, चले जाओ मेरी हवेली से। हुजूर, बात तो सुन ले। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा बग्गू खान। कट। ओके ओके ओके। अम्मी जी, आप कहाँ घूम रहे हैं? मैं अपने फत्तू को तलाश कर रही हूँ। फत्तू का पता मैं बताता हूँ। अम्मा जी, ये पोटली आप मुझे दे दें, आप थक जाएंगे। अम्मा जी, फत्तू इधर रहता है। किधर बेटे? इधर इधर, आप चलें। अच्छा। चलें। अरे कोई पकड़ो मेरा सामान, कोई पकड़ो इसे। मेरा फत्तू? अरे ये फत्तू नहीं, मेरा जानी है। अरे नहीं पता कि मेरा फत्तू है, हीरो बनने आया है। अम्मा जी, आप चश्मा घर बोल रहे हैं, ये मेरा जानी है, फत्तू नहीं है। यहाँ से क्या है? आज बहुत जल्दी है खबरें सुनने की। खबरों को छोड़िए लाला जी, जानी की तस्वीर आई है, जल्दी से सुनिए क्या लिखा है। अच्छा अच्छा, ला दिख रहा है, पढ़िए ना लाला जी। लिखा है, जानी पब्लिक का दिल जीत सकता है या नहीं, ये तो उसकी फिल्म लगने के बाद पता लगेगा। अभी उसने अपनी फिल्म की हीरोइन शोला का दिल जरूर जीत लिया। आजकल उन दोनों के इश्क का चर्चा हर जगह हो रहा। आजा बेटी, वहां क्यों खड़ी है, अंदर आजा। मेरा बेटा घर पे नहीं है। तू मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुझे जानती हूँ। पता कैसे? उसने तो तेरे बारे में कुछ नहीं बताया, मगर ये तस्वीर। अरे तू अभी तक वहीं खड़ी है, अंदर आ जाना, उससे बातें कर। अरे अरे बेटी, कहाँ जा रही हो? लेकिन है बड़ी प्यारी। बेगम साहब, ये लड़की आपसे मिलना चाहती है। तो भेजो इसे। चलो चलो, आप वो बुला रही है, जो मिलो जा। हाँ तो भरे। अच्छा तो आप हैं सोला? हाँ, तुम कौन हो? आप तो बहुत खूबसूरत, इज्जत दौलत शोहरत, क्या कुछ नहीं है आपके पास। कोई भी आप अपना घर, अपना प्यार, अपना सब कुछ छोड़कर आपका गुलाम बन सकता है ना? तुम किस आदमी की मांग कर रही हो? किसकी? ये तो तुम्हारी है। जी हाँ, कि आपके नए हीरो जाने दे। ये क्या लगता है तुम्हारे? वो मेरा सब कुछ। इसका मतलब है तुम? हाँ, मैं उसे बचपन से प्यार करती हूँ,
और वो भी मुझे दिलो जान से चाहता था, लेकिन जब से वो फिल्म स्टार बन गया है मैं उसके लिए कुछ भी नहीं रही। इसलिए कि जो कुछ आपके पास है वो मेरे पास नहीं। एक बात बताइए, आप फिल्मों में तो बड़ी अच्छी औरत का किरदार करती हैं, लेकिन हकीकत में, हकीकत में आप क्या है? आपने आपने गरीब लड़की की जिंदगी का बैग छीन लिया है। तो इतना बड़ा फ्रॉड है मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मैं एक अदाकारा होने के साथ साथ एक औरत भी हूं। मैं एक मासूम और भोली भाली लड़की का प्यार नहीं चाहती। जाने तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। सच? ये आप क्या कह रही हैं? आपकी बहुत बहुत मेहरबानी सोना बेगम। आप चिंता करने का मैं जानी को ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो जिंदगी नहीं नहीं ऐसे मत कीजिएगा। अगर जानी को पता चल गया कि मैं यहाँ आई थी तो वो मुझसे कभी भी नहीं मिलेगा। तुम जानी से बहुत प्यार करती हो ना? जी। अब तुम फिक्र ना करो, जानी तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा लेगा। सोना बेगम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा करे आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। अल्लाह आपको खुश रखे। खुदा हाफिज। क्या एक तस्वीर थी? वो ले गई। वो कौन? वही लड़की जो इस तस्वीर में थी। किरण? किरण यहाँ आई थी? अच्छा, किरण नाम है उसका। जैसी प्यारी सूरत वैसा ही प्यारा नाम। मगर बेटे कुछ अजीब सा हाल था उसका। हाथ में ये रिसाला लिए हुए, चेहरे पर कुछ परेशानी, कुछ उलझन सी। मेरी तो कोई बात समझ में नहीं आई, कुछ तुम ही समझाओ ना बेटे। अरे बेटे, अरे शहर में किसी को बात सुनने की फुर्सत ही नहीं। जिसे देखो वही घोड़े पर सवार है। कमाल है। मेरी इजाजत के बगैर तुम आ नहीं सकते। लेकिन मेरी तरफ से तुझे इजाजत है, जा अपनी शोला के पास। अच्छा समझा। देख किरण, मैं तेरे गुस्से की वजह समझता, लेकिन वो तेरा काम। तो फिर जा अपना काम कर तो जिसमें तुझे इतना मजा आता है, और भूल जा किरण को। तो बात फैसला करने की है। ठीक है, कोई ऐसा बड़ा कोई मुश्किल फैसला नहीं। मैं फिल्मों में काम छोड़ देता हूँ। तुझे तो छोड़ सकता नहीं, तेरे सिवा मेरा दुनिया में है कौन? मैं चाहती हूँ तू एक्टर बने, है तो ईमानदारी का। पर मैं ये तस्वीरें, ये कहानियां, ये चक्कर तो फिल्म लाइन में होते ही। तू मुझ पर भरोसा कर, थोड़ा सा वक्त है, तेरे सारे ख्वाब पूरे। देख लड़कियां बचपन में ख्वाब देखती हैं और भूल जाती हैं, लेकिन मैंने बचपन से सिर्फ एक ही ख्वाब देखा है, तो मैं और एक छोटा सा घर और आधे दर्जन बच्चे। तेरे जैसे फरेबी हुए तो कोई जरूरत नहीं, और तेरे जैसे शकी हुए तो भी कोई जरूरत नहीं। मैं शकी हूँ? मैं फरेबी हूँ? हाँ, एक नंबर का। जो कुछ भी हूँ, हूँ तो एक नंबर का। फरेबी, चोर, कुछ मगर हूँ सिर्फ तेरा। अगर तूने साथ छोड़ दिया तेरी कसम मर जाऊंगा। चल जा काम पे। हम देख ले खुद ही लड़की वड़कियों के पास भेज रही है। अब कुछ चक्कर वक्कर हो गया तो मुझे ना ऐसी मार पिटे। कैसे आना जी? दरअसल
वो आपने अखबारों में इनकी और अपनी तस्वीरें देखी होंगी, कैसा जोड़ा है इस बारे में, यानी माशाल्लाह ऐसा फिल्मी जोड़ा सदियों से पेश ही नहीं किया गया, हर जगह लोग कहते हैं। की बात कीजिए बुखारी जी। वो याद दहानी के लिए हाजिर हुआ था कि कल शाम को आपकी और जानी की शूटिंग है। इसकी जरूरत नहीं थी, मुझे अपनी ड्यूटी याद है, मैं पहुंच जाऊंगी। खुदा हाफिज़। इसका मूड तो बहुत ही खराब मालूम होता है, जरूर तूने कुछ किया है। नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो कुछ करो ना। क्या करूं जी? ओ, सर के बाल खड़ा हो जाए, बंदर का तमाशा दिखा, नाच, मगर कुछ भी कर, इसका मूड ठीक कर। देख मैं जा रहा हूं, तू यहां रहे और इसका मूड ठीक कर। आज मौसम कितना अच्छा है ना, है ना, है ना? नहीं कोई बस नहीं। आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, और ये रंग आप पे ऐसा खिल रहा है, ऐसा खिल रहा है ईमान से। शोला जी, आप मुझसे कुछ नाराज हैं क्या? अब क्या करूं? हाँ, कोई शायराना सा रोमांटिक सा गाना गाता हूं जरूर मान जाए, फिल्मों में तो हमेशा मान जाया करती, लेकिन मिसरा कहां से लाऊं? मिसरा के मिसरा गजल का चली आऊंगा, वरना शायर का दिल टूट जाएगा। तुम तो रोती रही यूं ही जाने बाबा, तुम तो रोती रही यूं ही जाने बाबा, तेरा दीवाना दुनिया से रूठ जाएगा। बनके मिसरा गजल का चली आऊंगा, चली आऊंगा, चली आऊंगा, चली आऊंगा। गुजर जाएंगे जाने जा, हम तो जा से गुजर जाएंगे, तेरा दामन जो हाथों से छूट जाएगा। बनके मिसरा गजल का चली आओ ना, चली आओ ना, चली। Thank you.
कर दे मेरे अपने दिल की कली, नाम कर दे मेरे अपने दिल की कली, वरना कोई बाहरों को लूट जाएगा। बनके मिसदा बदल का चली आओ ना, बनके मिसदा बदल का चली आओ ना, वरना शायर का दिल टूट जाएगा। तुम तो रूठी रही यूं ही जाने बाबा, तुम जो रूठी रही यूं ही जाने बाबा, तेरा दीवाना दुनिया से रूठ जाएगा। बनके मिसदा बदल का चली आओ ना, चले आओ ना, चले आओ ना, चले आओ ना। परेशान क्यों ना हो साहब, इसी हफ्ते मेरी बेटी की शादी है और घर में लाखों का सामान मौजूद है। आप बेफिक्र रहिए सेठ साहब, वरी करने की कोई जरूरत नहीं। फिक्र कैसे ना करूं, चोरी की वारदातों की खबरें पढ़ पढ़ कर रातों की नींद हराम हो गई है। समझ में नहीं आता ये चोर है या जादूगर। आप घबराइए नहीं सेठ साहब, ये साहब जो मेरे साथ आए हैं ऐसे ही जादूगरों को पकड़ने के जादूगर हैं। वैसे भी मैंने आपकी हिफाजत का खास इंतजाम किया है। अब के ये चोर अगर आया तो बच के नहीं जा सकेगा। इस वक्त कहाँ जा रहे हो बेटे? तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दी है सवाल करने के लिए। हाँ अली एजाज साहब रेडी है, खाना वगैरह सब रेडी। चलिए रेडी आप तो करते। अरे भाई हमें पता था कि तुम आ रहे हो, इसलिए हमने खास तौर से तुम्हारे लिए खाना बनवाया है। बग्गू खान जी अचार ला वहीं जा जल्दी से। ये जी पहले आप। अरे भाई चख के तो देखो, हमारा खानसामा बहुत ही जाफरानी किस्म के कोरमे बनाता है। आज आपके खानसामे ने कुछ बहुत ही खास खाना पका डाला जी। वो कुछ फर्क डाल दिया। बहुत ज्यादा फर्क है जी। नहीं तुम्हें क्या हुआ? वो जी आपकी शानदार हवेली में वो शानदार घुसक खाना खाना जी घुसक है ना। तुम इधर को चले जाओ, तुम ठहरो जी। लोटे हैं लोटे हैं लोटे। अबे बग्गू खान जी हजूरे वाला। अबे हजूरे वाला के बच्चे, हम जरा गुसल खाने की तरफ जा रहे हैं, कुर्सी देख लेना। ठीक है यहाँ रास्ता। अरे गुसल खाने जा रहे हैं, कुर्सी देख लेना। कुर्सी पे सरकार बैठे थे, कोई बदखा थोड़ी बैठा था। अब कैसी तबीयत? गुड। ये तो बुरी तरह तड़प रहा है। आइए सर। वो अभी तक बसा हुआ है, अंदर ही है वो अभी। अशी भाई आपकी तबीयत तो ठीक है? बकवास बंद करो, हम फिर जाएंगे। यार कपड़े भी छोड़ गई। Thank you.
बड़ा मजेदार खाना पकाया सामने। मालूम होता है सितारों का मेल नहीं हुआ। नहीं सरकार, इससे ज्यादा और क्या मेल होगा। बग्गू खान। हाँ सरकार, लोटा पानी का भर के रख दिया। अबे बकवास बनकर किसी हकीम या डॉक्टर को लेके आ। कमाल कर रहे हैं आप, इस वक्त हकीम डॉक्टर कहाँ से मिलेगा सरकार। हजूर, गांव में एक नए हकीम साहब तशरीफ लाए हैं। अबे नया हो या पुराना, जल्दी ले आ। कुछ वक्त तो लगेगा सर। अबे यही सालन थोड़ा उसके मुंह में डाल देना, जल्दी आ। अरे नहीं, ये सालन नहीं, जा। अबे ओके ओके, साउंड ओके, वेरी गुड। रात को इस वक्त रात के सन्नाटे में पुलिस की चीटियों की आवाज, दीवार बनाकर मेरे घर में छुपना, तेरे माथे पे ये चोट, ये है तेरी एक्टिंग और तेरी शूटिंग। मुझसे झूठ बोलते में शर्म नहीं है, चोर है तेरे चोर। खामोश, ये शर्म बदतमीज लड़की, खबरदार ना मेरे बेटे को चोर कहा। हाथ उठाया, ये ठीक कहती है, मैं कुछ नहीं चोर। ये तू क्या कह रहा है बेटे, चोरों के जीरे कैसे होते हैं। अरे कभी तो एक्टिंग छोड़ दिया कर मेरे लाल। तू एक्टिंग छोड़ गुड़िया। मैं तेरा बेटा नहीं,
तेरा दार नहीं, तेरा कुछ नहीं। कौन सी मनहूस खड़ी थी जब तुझ पे तरस खाके तुझे यहाँ ले आया, लेकिन अब मैं तुझे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू मेरे लिए मुसीबत बन गई है। चली जा मेरे घर से बुढ़िया, ऐसी बात चली जा। तू मेरा कुछ नहीं लगता, फिर तो मुझे चले ही जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। इंसानियत बाकी है, लेकिन तू इंसान नहीं पत्थर बन चुका है। उसने चाहते हुए भी तुझे दुआ दी, अगर वो तुझे बददुआ दे देती तो तुझ पर आसमान टूट पड़ता। लेकिन तू क्या जाने माँ क्या होती है, किसी का बेटा नहीं, किसी का दोस्त नहीं, तू तो सिर्फ एक दलील और खटिया जो है। बार बार चोर क्या कर, वो बात कहने पर मजबूर न कर किरण, जो आज तक मैंने सीने में छुपा रखी है। मुझ पर कोई एहसान न कर, अब मुझ पर तेरी किसी बात का कोई असर नहीं होगा। अगर तुझ में जरा सी भी हिम्मत है तो बोल, बोल चोर। हाँ मैं चोर हूँ, लेकिन जानती है मुझे चोर किसने बनाया? तेरे बाप ने। हाँ तेरे बाप ने। हाँ किरण, आज मैं जो कुछ भी हूँ तेरे बाप की वजह से हूँ। मुझे याद नहीं मैं कब और कैसे उसके चुंगल में आया। ये ठीक है कि उसने मुझे पाला, दो वक्त की रोटी दी, तरबियत दी, बहुत कुछ सिखाया। धोखा देना, चोरी करना, डाके डालना। हाँ किरण, मैं चोर, बहुत बड़ा चोर। मेरी उंगलियों में वो जादू है कि बड़ी से बड़ी तिजोरियां खोल सकता हूं। लेकिन किरण, इन हाथों को जो कुछ भी आता है तेरे बाप के हाथों ने सिखाया है। कितना गिर गया है तू जानी, अपने गुनाहों का जिम्मेदार मेरे बूढ़े और मानूर बाप को ठहरा रहा है। उस फरिश्ते को जिसने तुझे सहारा देकर बेटों की तरह पाला, तुझे जिंदा रहने का हक दिया। चली जा किरण, और अपनी इस निशानी को भी ले लीजिए। अब इसमें तेरी दुआओं की खुशबू नहीं, नफरत की बू आती है। तो इस काबिल नहीं कि कोई तेरे लिए दुआ करे। अब तो मैं उस दिन का बेचैनी से इंतजार करूंगी जब खबर आएगी कि तू पुलिस की गोली खाकर किसी गंदी नाली में गिर कर मर गया है। बेवकूफ नालायक कदे, ये कैसे मुमकिन है कि तुम सारा माल छोड़कर भाग आए? डैम फूल। क्या कर लोगे तुम? कैसे जा सकते हो तुम? तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम एक चोरी और करोगे, समझे? इडियट कदा। नहीं नजमा नहीं, ऐसा ना कहो। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। अगर तुम्हारा जालिम बाप तुम्हारी शादी किसी और से कर देगा तो मैं खुद खुशी कर लूंगा। अगर ये जालिम से वादा हमें जुदा करना चाहता है तो आ इस दुनिया ही को छोड़ दे। चल चलिए दुनिया दे उस नुकरे जिते बंदा ना बंदे की साथ हो गए। आओ अपने प्यार के लिए मर जाए और सस्सी पुन्नू ही राजा श्री फरहाद लैला मजनू की तरह अमर हो जाए। आ मेरे महबूबा आ चल। क्यों आया हो, देखते नहीं हम कितने जबरदस्त ड्रामे में मसरूफ थे? माफी चाहता हूँ जानी साहब, मैं बुखारी साहब का पैगाम लेकर आया। आज रात आपका सबसे बड़ा इम्तहान है, आपने अपना सबसे मुश्किल सीन करना है जिसके बाद आप पूरे फनकार बन जाएंगे। अच्छा तो क्या करना है? मैं हर सीन के लिए तैयार हूँ। फिर जरा गौर से सुन, आज आपने एक गुंडे का पार्ट अदा करना है। गुंडा लेकिन मुझ जैसा मॉडर्न गुंडा।
मैं आपको बुखारी साहब के तहखाने का रास्ता बताऊंगा। आप वहां जाएंगे, आपकी चाल, आपकी आवाज, आपकी नजर में वो रोग होना चाहिए कि सब लोग आपकी दहशत से डर जाए। लेकिन मैं तो हीरो हूं, गुंडा क्यों बन जाऊं? उनके राज मालूम करने के लिए, राज मालूम करने के लिए। लेकिन इन कपड़ों में मैं मॉडर्न गुंडा कैसे लगूंगा? नो प्रॉब्लम जी, आप मेरे कपड़े पहन लीजिए, लेकिन जल्दी कीजिए, उठिए। हाँ हाँ, जल्दी करो, जल्दी करो। आज मैं साबित कर दूंगा कि मुझ जैसा फनकार दूसरा कोई भी नहीं। जल्दी करो। आओ 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 जानी, आओ बैठो प्लीज। माफ करना जानी, कल मैंने तुमसे जरा सख्ती से बात की थी, लेकिन नो हार्ड फीलिंग, प्लीज जॉइन अस, कम ऑन कम ऑन। ठहरो, मुझे दो सिगरेट, पियोगे? हैव इट। लेकिन ख्याल रखना ये लोडेड है, माल छोड़कर भागने वाले बुजदिलों के लिए नहीं है। ले जाइए ऊपर कमरे में। चरस के सिगरेट, चरस का सिगरेट, वो तो यूं ही हो गया, बस हो गई गलती। मैं हाल में घर जाके आराम करता हूँ, शाम को आ जाऊंगा। जाओ।
अगर ये चोरी इसने की होती तो ये यहाँ रहता? पूछिए सर, जलजला आया हुआ है। ये घास समंदर की लहरों की तरह मेरी तरफ पड़ रहा है और मुझे तो आप भी कुछ मटकते हुए नजर आ रहे हैं। तुम्हारी ये हालत आखिर क्यों? उगारी साहब, कल रात आपके तहखाने में जो सीन किया था ना, बड़ा जबरदस्त था। मैंने सोचा था आपका दोस्त मजाक कर रहा है, लेकिन उस चरस के सिगरेट में असल बारूद था। अब तक सर में धमाके हो रहे हैं। अब याद आया सर, कल सुबह जब जानी तहखाने में आया था तो उसके माथे पर चोट का निशान था। जब रात को आया तो वो निशान नहीं था, लेकिन आज सुबह जब वो गया तो वो निशान फिर मैंने देखा। जानी कटे, दो तीन आदमी जानी को लेने के लिए भेज दो। और सुनो, उन्हें समझा देना कि जानी को शक ना हो कि क्यों बुलवाया। यस सर। बुलाया क्यों? उन्हें आपकी सेहत की फिक्र है, वो चाहते हैं कि आप उनके घर में आराम करें। उन्होंने डॉक्टर बुलवाया जो तुम्हें ठीक करे। अच्छा, चोरों से भागा। ये नई बात सुनी है? क्या हो गया जमाने को? हजमत, कोई मेरी जान के पीछे पड़ा है। तो फिर उसे मेरी जान दे दो, तुम्हारी बजाय मुझे मारेगा तो मारने वाले को भी जरा मजा चला आएगा। मजाक की बात नहीं, मुझे छुपने के लिए कोई जगह चाहिए। तो फिर तुम हमारे चल के पैलेस में रहो, नहीं उधर कोई नहीं पहुंचेगा। उधर बस हम दोनों आए और कुछ 10,000 मक्खियां, मच्छर और खटमल। ठीक है, चलो चलो।
इन हाथों को जो कुछ भी आता है तेरे बाप के हाथों ने सिखाया। ताला तुमने कैसे खोला बाबा? अरे बेटी ये तो कुछ भी नहीं, जब मैं जवान था बड़ी बड़ी तिजोरियां, बड़े बड़े सेब, बड़ी बड़ी खामोश क्यों हो गए बाबा? इसलिए कि आगे बोलोगे तो तुम्हारा राग खुल जाएगा। तो जानी सच कहता था, वो आज जो कुछ भी है तुमने उसे बनाया है। वो चोर इसलिए है कि तुम भी कभी चोर थे। बस एक बात का जवाब दे दो बाबा, जब जुर्म के रास्ते पर चलते हुए तुम्हें इंद्र पर होता के सिवा कुछ नहीं मिला, तो तुमने जानी को ये रास्ता क्यों दिखाया? जानी को ये रास्ता क्यों दिखाया? नहीं जा सकती। क्यों माँ जी? तेरा बाबा क्या सोचेगा? मेरा बाबा मर गया है माँ जी। तेरा बाबा मर गया है? बाबा मर गया है और जानी जाने कहाँ चला गया है? मैं बिल्कुल अकेली हूँ माँ जी, मेरे साथ मेरे घर चलो, खुदा के लिए मेरे साथ मेरे घर चलो, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। बेटी मैं तेरी हूँ और तू मेरी है, जो कुछ तुझे लिखा होगा वो मिलकर सहेंगे। चल मेरे साथ आओ। लाओ माही अपनी कमाई। Oh, my God.
आत्मा में। देखिए आपको इसकी मरी हुई माँ का वास्ता है, आप हमें माफ कर दें। माजी मुझे माफ कर दे और इसको आग कर दे, अपन ने जानी हमारी खाल उधेड़ देगा। कौन है जानू? इसको पता मुझे नहीं मालूम। जानू मैं तो शहर में नया हूँ, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। नहीं माजी मैं तो पुराना हो चुका हूँ, इसको पता है। बताती हूँ या फिर शुरू हो जाऊँ? नहीं नहीं मौला बक्स तो नीचे रखे, मैं बताता हूँ। जानी हमारे शीश गल में छुपा हुआ है। चलते हैं वहाँ तक। चलिए भाभी जान, चलिए अम्मी जान, चलिए भाभी जान, चलिए अम्मी जान। चलिए चलिए। नहीं 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 बताओ तुमने जाने के साथ क्या चल रही है? बोलो जानी कहाँ है? नहीं जानता, और अगर जानता भी तो कभी ना बताता, क्योंकि हीरो निडर और बहादुर होता है और विलन के सामने कभी सवाल नहीं होता। इतनी जोर से सर हमारी बुखारी साहब आखिर रिहर्सल ही हो रही है। किस गले से पाला पड़ा है? मेरा कुछ पर अभी तक एक्टिंग का भूत सवार है, जरा दिन काम लेकर दिखे सर। तेरे मुन्ने जोर से लग गया चपत। चलो अपने बुखारी को मार। अच्छा भाई रिएक्शन खत्म। अच्छा बेटा ये बताओ कि कहाँ है जानी? भाई जानी से एक बहुत जरूरी काम है पत्तू। कभी आसमान पर चढ़ाते हो, कभी जमीन पर गिराते हो, कभी हंसाते हो, कभी उड़ाते हो, जानी बनाते हो और पत्तू बुलाते हो, ऐसा क्यों करते हो ठाकुर? क्यों 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 यू दबान के रखो और इस पे कड़ी नजर रखो। कमल के दी आलो आलो ये हमारा शीश महल, आप दोनों अंदर जा, आपको इधर ठंडी हवा खाएगा। आहो जी इतनी मार खाने के बाद बहुत जरूरी है हवा खाना। चलो जी खाने आ गई। तेरा दिमाग खाने नहीं, तेरा दिमाग ध्वस्त करने आई। बुढ़िया चिल्ला मत, आज मैं तुझे ये बताने नहीं आई कि मैं तेरी माँ, ये बताने आई हूँ कि तू कौन है। अच्छी तरह जानती हो कि मैं जानी। कौन है जानी? क्या है जानी? किसका बेटा है? उसके माँ बाप कौन है? और जब रफीक ने उसे अगवा करके चोर नहीं बनाया उस वक्त वो कौन था? जानी कौन है तू? तुझे याद नहीं? मैं तुझे याद दिलाती हूँ। याद कर जानी, एक छोटे से गांव में छोटा सा घर, उस छोटे से घर में एक छोटा सा खानदान। अच्छा अच्छा रो नहीं, मैं तुम्हें बंदूक लेकर दूंगी। जानी बेटे अब थोड़ी देर फत्तू को भी इस बंदूक से खेलने दो ना। नहीं मेरी बंदूक है, मैं नहीं दूंगा। फत्तू बेटे कल हम सिनेमा देखने जाएंगे और जानी को लेकर ही जाएंगे। ठीक है बड़ा प्यारा। जनाब इंस्पेक्टर साहब थाने का काम थाने में छोड़ाया करें, ये घर है यहाँ खुशपाश रहा करें। क्या बात है सरताज, आप इतने परेशान क्यों हैं? तुम्हें याद होगा जब मैंने रफीक डाकू को गिरफ्तार किया था तो उसने कसम खाई थी कि मैं बदला जरूर लूंगा। आज वो जेल से रिहा हो गया है। नहीं, आप बाहर जाएं, मेरा दिल खराब है। तुम बच्चों का ख्याल रखो, मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। वो है
मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। वो साली मुझे हंसते रहे और बच्चे को उठा कर ले गए। उसके घर से, माँ बाप से, भाई से तू और तेरे बस माँ कुछ ना कर सकी। बच्चा चिल्लाता रहा, बच्चा चिल्लाता रहा, माँ। बात है बेटे, मैं तेरे भाई फत्तू को ढूंढने आई थी और तू मिल गया। फत्तू? फत्तू मेरा भाई है? हाँ, फत्तू तेरा भाई है। तू जानता है वो कहाँ है? हाँ जानता। तो फिर जल्दी से मुझे उसके पास ले चलो। तो मां नहीं जा सकती। मां क्यों नहीं जा सकती? इसलिए कि वो बड़ी खतरनाक जगह है, उसकी जान तक खतरे में। नहीं, लेकिन तुम फिक्र करो, मैं तुम्हें फत्तू से जरूर नहीं जाऊंगा। मेरा वादा है। सिर्फ शीशा टूट रहा है, तस्वीर तो बिल्कुल ठीक है। ओहो, अब ये सब किस लिए है? जानी, पापा मर गया है। क्या? अब तेरे से हम मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। किसी नए खतरे में मत पड़, मत जा जानी, मत जा। किरण, कल तक मेरा भी तेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन आज एक माँ है, भाई है, मुझे जाना होगा। ये तो अच्छी तरह जाने। जानी, बेटे हम अभी तो मिले हैं, तू कहाँ चला? एक पुराना कर्ज चुकाने। कर्ज? किसका कर्ज? तुम उसे देखोगी तो उसकी सूरत में तुम्हें बादल डाकू नजर आएगा। बादल? तेरे बाप का कातिल? हाँ माँ, वो दरिंदा अभी जिंदा है। तेरी आंखों के शोले बता रहे हैं कि तेरे इरादे क्या है। अगर बेटा मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहती, मेरे साथ चलो। जो कुछ हुआ सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। भूल जाऊं? भूल जाऊं उस शैतान को जिसने मेरे बाप को मारा, तुमसे अलग किया, मेरी जिंदगी के बेहतरीन साल बर्बाद कर दिए, मुझे चोर और डाकू बना दिया? नहीं बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। एक लफ्ज और ना कहना माँ, कल से तुम जो कहोगी वही करूंगा, लेकिन आज कोई कसम, कोई वास्ता, कोई हुक्म ना देना। आज तुम्हारी ममता भी मुझे नहीं रोक सकती। आज, आज बाप के खून ने आवाज दी। हमने सब कुछ सुन लिया भाईजान, अपन भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं चक्रव, तुम यहां रहो, मां और किरण की हिफाजत करो और बिल्लू तुम मेरे साथ चलो। भाई साहब। ओ भाई साहब, क्या? देखिए ये सीन मुझे अच्छी तरह याद हो गया है। रस्सी खोल दीजिए, मुझे बड़ा जरूरी काम है उस छोटे से कमरे में। चुप रहो। ठीक है, फन के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकता हूं। कमाल है, किसी ने ये नहीं बताया कि ये लोग बाथरूम भी ले जा सकते।
शोर हो रहा है भाई। कौन किशोर ट्यूशन कर रहा है? अरे जल्दी बुखारी साहब, बुखारी साहब को चोर हो रहा है, जल्दी आइए। कौन है? क्या बात है भद्दू, क्यों शोर मचा रहा हो? कहाँ है चोर? ओ जानी तुम, पकड़ लो इसे। बोटी हो जाओगे। क्या वक्त हो? हीरो हूँ, भागता नहीं। अच्छा भाई हीरो, तो फिर ये तुम्हारी भलाई के लिए है। तेरा दिल तोड़ते हुए अफसोस तो हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि बुखारी तुझे हीरो नहीं, सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है कि ना तू हीरो है, ना कोई फिल्म है, ना बुखारी प्रोड्यूसर। वो एक चालाक और खतरनाक मुजरिम है जिसने हम दोनों को अपनी चाल चलने के लिए शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल किया है। मगर कैसे उसने इस बात का फायदा उठाया कि हम दोनों की शक्लें मिलती हैं। सारी दुनिया को यह बताया कि तू है जानी जो कल तक चोर था और आज उसकी फिल्म का हीरो है। और जब तुझसे फिल्म की शूटिंग करवाता था तो मुझसे डाके डलवाता था। तूने कभी ये सोचा कि तेरी शूटिंग हमेशा रात को क्यों होती थी? बुखारी ने तुझे हीरो सिर्फ इसलिए बना रखा था कि पुलिस मुझ पर शक करे। अरे बेवकूफ, तू जिसे न जाने क्या कह रहा है,
वो तेरा भाई है। मेरा भाई? हाँ हाँ, तेरा जुड़वा भाई, जिसे तकदीर हम दूर ले गई थी और अब फिर से मिला दिया है। बहन? अरे नहीं, ये तेरी भाभी है। भाभी? फिर तो चाचे भतीजे भी होंगे। वो कहाँ है? वो कहाँ है? अरे वो भी हो जाएंगे, तू समझता नहीं, अभी इनकी शादी नहीं हुई। अच्छा। माफ करना भैया, मुझे मालूम नहीं था तुम्हें जानी समझकर शोला के घर चली गई, बहुत गड़बड़ हो गई। तुम्हारे साथ कोई जाती तो नहीं हुई? जाती? नहीं नहीं, बस गेट से बाहर फेंक दिया, 20-30 थप्पड़ मार दिए, लेकिन कोई बात नहीं, आखिर में हीरोइन हमेशा हीरो के कदमों में खेलती है। अब मैं चलता हूँ माँ, मेरा फन, मेरा मुस्तकबिल मुझे आवाज दे रहा है। के मिर्ज़ा गज़ल का चली आऊँगा, वरना शायर का दिल टूट जाएगा। तुम तो रूठी रही यूं ही जाने बाबा, तुम तो रूठी रही यूं ही जाने बाबा, तेरा दीवाना। We hope you have enjoyed this recording. To keep it at its best, rewind the tape completely, put the cassette back in its jacket and store it vertically away from heat and strong magnetic field. Shalimar Recording Company Limited, the largest recording organization in Pakistan.